वहीं राजधानी देहरादून में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त राजबर सिंह जक्की ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान की आदत को सुधारना पड़ेगा और उसमें बदलाव लाने की भी जरूरत है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमें खाने से पहले यह समझना होगा कि हम क्या खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने इसको एक वृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी वर्षों में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे पेंडेमिक, फूड पेंडेमिक आने वाला है, अगर हम अभी इसे अवेयरनेस नहीं हुए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे।